देख रहे हैं रोज न्यूज। मैं हूं शुमाइला नियाज। यहां शामिल करेंगे रोज की हेडलाइंस। पहला T20 बांग्लादेश का पाकिस्तान को 142 रन का हदफ। हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी, शादाब खान की एक एक विकेट। हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के कामयाब नौजवान प्रोग्राम के अमूर का जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा, जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए 62 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। 42 अरब रुपए के फंड रिलीज किए जा चुके हैं। जारी होने वाले फंड का बर वक्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, कंट्रोल रेट पर आटा मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करेंगे। सूबे में आटा वाफर मकदार में मौजूद है। नैब का करप्शन के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। FBR और बरतानवी एजेंसी से माहिदों का फैसला। मुफामती याददाश्त का मुद्दा जल्द काबीना को भिजवाया जाएगा। माहिदे का इब्तदाई मुसवदा अमरीकी एजेंसी को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तहफुजात हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। मुआवरा खसूसी ब्राय इत्तला तो नशरियात फिरदौस आशिकवान कहती हैं, पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट शफाफ नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया सबसे ज्यादा करप्शन मुशरफ फिर इमरान खान के दौर में हुई। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और चौथे नंबर पर नून लीग के दौर में हुई। इस रिपोर्ट को कौन मानेगा। और सुप्रीम कोर्ट में पटवारियों, तहसीलदारों और कानूनगो से मुतालिक केस। विफाक और चारों सूबों से कानून साजी बारे तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस उमर बंदियाल ने इस मौका पर रिमार्क्स दिए कि रेवेन्यू हासिल पटवारियों ने शहर में कोहराम मचा रखा है, हम पूरे मुल्क में शफाफ निज़ाम चाहते हैं।